आज की वीडियो ना आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से लोग क्या करते हैं ना आपके जियो नंबर को वो अपने फ़ोन में माई जियो ऐप में लिंक कर लेते हैं जिसकी वजह से वो क्या करता है आपकी सारी की सारी कुंडली देख रहा होता है आप किससे बातें कर रहे हो कितनी देर बातें कर रहे हो कितने बजे बातें कर रहे हो ये तो देख ही पाता है और साथ ही साथ ये भी देख लेता है कि आपने उसी मतलब कितने बजे मैसेज किया कितनी देर मैसेज किया एस सब कुछ कंप्लीटली वो देख रहा होता है तो इसका कोई भी उपाय नहीं था पहले पहले इसका मतलब कोई उपाय नहीं था कि यदि कोई भी पर्सन आपके जियो नंबर को अपने फ़ोन में लिंक कर लेता था तो आप उसे लॉग आउट नहीं कर पाते थे इसका सिर्फ और सिर्फ पहले एक ही उपाय था कि आपको अपने जियो नंबर को दूसरे कंपनी में पोर्ट करवाना होता था तभी वो जाके अनलिंक होता था लेकिन अब आप लोग अपने फोन अपने जियो नंबर को बिना पोर्ट करवाए हुए जस्ट वन जस्ट इन वन मिनट में ना आप अनलिंक कर सकते हो

सब कुछ आपके सामने कम्प्लीट कम्प्लीटली करूँ यहाँ पे सिंपली स्विच अकाउंट पे मैं टैप करता हूँ टैप करने के बाद यहाँ पे लिंक न्यू अकाउंट सिंपली मैं टैप किया और यहाँ पे एक बहुत सारे ऑप्शन से देखने को मिल जाएंगे क्या लिंक करना चाहते हैं मोबाइल जियो फाइबर जियो फाइव जियो लिंक तो यहाँ पे सिंपली मैं मोबाइल पे टैप करता हूँ यहाँ पे अपना नंबर फिल करता हूँ ओके तो यहाँ पे मैं जैसे ही ओ देता हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंट हो चुका है सक्सेसफुल्ली एड ओके सिंपली अब ओके okay करता हूँ तो सबसे पहले यहाँ पे दिखा देता हूँ स्विच अकाउंट पे मैं जैसे ही टैप करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा नंबर शो हो रहा है तो यदि वो आपको अपना फोन दे देता है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ यदि वो आपको अपना फ़ोन दे देता है तो आपको क्या करना है हूं? उनके फोन में सिंपली यहाँ पे राइट साइड थ्री लाइन पे क्लिक करेंगे स्क्रॉल करने के बाद एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सेटिंग का और यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जा रहा है लिंक अकाउंट का इस पर आप लोग टैप करेंगे यदि लिंक अकाउंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आप लोग माई जियो को अपडेट करेंगे प्ले स्टोर से ओके तो यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अभी ये नंबर्स को लॉग इन किया हुआ है लिंक किया हुआ है तो सिंपली आप लोग जैसे ही उनके फ़ोन से ये रिमूव पे टैप करेंगे वो आपका नंबर उनके फ़ोन से लॉग आउट हो जाएगा तो ये तो खैर बात हो गई उनके फ़ोन से यदि आपकी अब अब आपको अपने फ़ोन से लॉग आउट करनी है तो सिंपली आपको अब क्या करना है मैं आपको बताता हूँ ओके आप पे, यहाँ पे चलिए यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड फिल कर देता हूँ आपको क्या करना है आपको अपना माई जियो ऐप को ओपन कर लेना है तो चलिए ओपन कर लेते हैं ओपन करने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पे लेफ्ट साइड थ्री लाइन पे टैप करना है टैप करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके सेटिंग्स में आ जाने हैं सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन से देखने को मिल जा रहा है लिंक अकाउंट का और मैं आपको एक बार फिर से बोल रहा हूं यदि ये लिंक अकाउंट का ऑप्शन से नहीं देखने को मिल रहा आपको तो सबसे पहले आप लोग प्ले स्टोर से जाके अपने माई जियो ऐप को अपडेट कर लेंगे ओके अब नीचे एक ऑप्शन ये भी देखने को मिल जाएगा योर अकाउंट इज लिंक विथ यानी कि आपका जो जियो का ये जो नंबर है वो किन किन अकाउंट के साथ लिंक है तो सिंपली यहाँ पे टाइप किया तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने मेरे जियो नंबर को लिंक कर रखा है अपने अकाउंट में तो सिंपली आपको क्या करना है यहाँ से रिमूव कर देना आपके जित आपके जियो नंबर को यदि कोई भी लिंक करके रखा होगा तो आपके सारे के सारे यहाँ डिटेल्स देखने को मिल मिलेंगे कि किसने किसने आपके जियो नंबर को लिंक कर रखा है तो ये भी एक चेक करना बीच बीच में ज़्यादा जरूरी रहता है ओके उसके बाद सिंपली चेक करके यहाँ पे रिमूव पे आप लोग जैसे क्लिक कर देंगे तो जैसे ही आप लोग रिमूव पे क्लिक करेंगे उनके फ़ोन से भी ये लॉग आउट हो चुका होगा सिंपली यहाँ पे मैं एक बार करता हूँ रिमूव और हाँ यहाँ पे देख सकते हैं शायद उनको एक मैसेज भी आता है ओके खैर अभी बाद में कट दिखाता हूँ सिंपली इनका फोन का माई जियो ऐप को ओपन करता हूँ ओके ओपन करने के बाद ये कट करता हूँ यहाँ पे देख सकते हैं लिंक अकाउंट का ऑप्शन ये शो नहीं होगा अब स्विच अकाउंट ये थोड़ी देर आ रहा है थोड़ी देर में अभी हट जाएगा ओके okay? फिर से एक बार कट करता हूं यहां पे देख सकते हैं, मेरा नंबर यहां से हट चुका है तो

वो भी आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं और हाँ आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि बहुत सारे जरूरतमंद लोगों को मतलब तो वो इसका सॉल्व कर सके जिनको जरूरत है और मैं आप लोगों को यह भी बोलना चाहूँगी यदि आप लोग अभी तक हमारे वेबसाइट पर विजिट नहीं किए तो आओ उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है विजिट कर सकते हैं तो क्योंकि मैं अपने वेबसाइट पर बहुत सारे ऐसे आर्टिकल लिखता हूँ जो तो कि मैं यहाँ यूट्यूब पर नहीं डाल सकता तो आप लोग एक बार जरूर से विजिट कीजिएगा और यदि आप लोग मुझसे बातें करना चाहते हैं तो मैंने अपना इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है फॉलो करके आप लोग मुझसे बातें कर सकते हैं तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो